किन्नर समाज का हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। माना जाता है कि जिस परिवार को किन्नर समाज दुआ देता है वह खूब फलता फूलता है। पुराने दौर में लोग इनके नाम का पैसा निकालते थे और इनकी झोली भर देते थे। आम धारणा है कि किन्नरों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। नैना देवी किन्नर, जिनका जन्म कोटा में हुआ था, 2016 में पंजाब चली गईं। वहां वे किन्नर समाज के साथ रह रही थी और उन्हें गुरु का दर्जा भी मिला हुआ था। उनकी जिंदगी पंजाब में अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन 2021 में उन्हें कोटा से सूचना मिली कि उनकी माँ को कैंसर है। कोटा ही है, राजस्थान से ही है और छेनो निवासी में मेरा बर्थ एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ और मेरे माता पिता ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है मेरी लाइफ में, बहुत स्ट्रगल किया है मेरे लिए उन्होंने। और पंजाब की अगर बात कहते हैं आप, तो पंजाब करीब 2016 में मैं यहाँ से गई। कुछ कारण ऐसे हो गए थे जिनकी वजह से मुझे शायद जाना पड़ा और कुछ मन भी था। जब पंजाब गई वहाँ पर जाकर वेल सेटल भी हुई योग्यता के अनुसार, क्योंकि ईश्वर किसी किसी को योग्यता देता है, हर किसी को नहीं देता। तो शायद मेरे अंदर कुछ ऐसी खूबियाँ थी, उसको देखते हुए उन लोगों ने मुझे वहाँ गद्दीपति का पद भी दिया। मैं अच्छे से वेल सेटल भी हुई और अच्छी लाइफ, बिल्कुल परफेक्ट लाइफ जो थी मेरी गुजर रही थी। माँ की बीमारी की खबर सुनकर नैना देवी ने पंजाब में अपने मकान और गुरु के पद को त्याग कर कोटा आने का फैसला किया। उन्होंने अपनी माँ की सेवा को अपनी प्राथमिकता बनाई और कोटा आकर अपनी माँ की देखभाल करने लगी। हम लोग जहाँ रहते हैं हमें वहाँ की चीज़ वहीं छोड़नी होती है ना। अपना पर्सनल हम कुछ लेके ले सकते हैं, रख सकते हैं अपने पास, बट अपनी जो कहते हैं ना वो दादा की चीज़, और हम लोगों में गुरु प्रथा कहते, देखो भारत के अंदर पिता पुत्र से बढ़ के गुरु शिष्य का रिश्ता जो है उसको ज़्यादा मान्यता और योग्यता दी गई है। तो हम लोगों में गुरु शिष्य की प्रथा बहुत, मतलब बहुत अच्छी होती है। गुरु को ही पिता, गुरु को ही माँ, गुरु को सारा संसार मान लिया जाता है। नैना देवी ने बताया कि उन्होंने अपनी काबिलियत की वजह से पंजाब में गुरु का दर्जा हासिल किया था, लेकिन उन्होंने यह सब कुछ छोड़कर कोटा आने का फैसला किया। अब वे कोटा में अपनी माँ की सेवा के साथ साथ अपने गुरु मनीषा बाई किन्नर के साथ सामाजिक कार्य भी करती हैं। वे शादी ब्याह और बच्चों के जन्म अवसर पर लोगों के घरों में जाकर उन्हें दुआएं देती हैं। मैं उससे पहले, पंजाब जाने से पहले, मैं जो थी यही कोटा में वेल सेटल थी, इसी घर के अंदर थी। मतलब मेरा कहते हैं ना वो निर्माण जन्म एक नई दुनिया में जो मेरे लिए थी वो इसी घर के अंदर हुआ था। और मेरी गुरु जो थी यहाँ पर, उनका नाम था मंगलमुखी मनीषा बाई DCM। मैंने वापस उन्हीं के पास, मतलब मैंने मन किया कि मुझे एक बार उनसे बात करनी चाहिए। मैं अचानक से उनको कॉल किया, कॉल करने के बाद उन्होंने बोला घर आ। घर आई, घर आने के बाद मैं अपने गुरु से बात की, गले मिलके रोए भी खूब। होता है ना एक दूसरे में, जिसने बच्चे की तरह रखा हो कभी किसी ज़माने में तो होता है, हमें भी होता है, उनको भी होता है। फिर मैंने उनसे कहा यार मम्मी को ना गुरु ऐसी ऐसी बात हो गई, तो उन्होंने बोला अच्छा। उन्हें भी बड़ा अफसोस हुआ, फिर मैं यहीं सेटल हुई। हाँ रही बात पंजाब वाले जो थे, महंत बोलते हैं वहाँ पर किन्नरों को, किन्नर समुदाय को, उन्होंने भी मुझे काफ़ी बैक सपोर्ट किया। उन्होंने बोला नहीं तू वहीं रहे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हम तेरे साथ हैं। क्योंकि यहाँ वाले जो थे मेरे गुरुजी, उन्हीं के शरण में मैं वापस आ गई थी और मैंने वापस उन्हीं को गुरु चयन किया था अपना, मनीषा जी को। तो साढ़े तीन साल से तकरीबन यही हूँ अभी। और फुल हाँ मैं सिखा सकती हूँ अभी भी, वो टैलेंटेड हूँ मैं और टैलेंट है मेरे अंदर। बच्चों को सिखा सकती हूँ, महिला संगीत की प्रिपरेशन करवा सकती हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जानते हैं बोलने में एक्सपर्ट हूँ और बाकी तो आप जानते हैं। यहाँ भी मेरे गुरु ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और आगे भी करते रहेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है उनसे बहुत सारी। मंगलमुखी नैना देवी आप जानते हैं, हमेशा चर्चाओं में। नैना देवी किन्नर की यह कहानी हमें सिखाती है कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन परिवार की सेवा सबसे ऊपर होती है। उन्होंने अपने आलीशान जीवन और प्रतिष्ठित पद को त्याग कर यह सिद्ध कर दिया कि एक सच्चे इंसान की पहचान उसकी निस्वार्थ सेवा और बलिदान से होती है। लोकल 18 के लिए कोटा से शक्ति सिंह की रिपोर्ट।